एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्कूल बस छुट्टी तो छात्र रोते हुए आया घर, फिर पेड़ से लटक कर लगा ली फांसी। 1000 से ज्यादा बच्चे हुए कोरोना से संक्रमित, हर घंटे चलेंगी बुलेट ट्रेन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल नहीं जा पाने के कारण 9वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बैतूल के चोपना थाना क्षेत्र के आमदोष गांव की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राहुल सरदार आमडोह गांव से 6 किलोमीटर दूर चोपना के सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता था। वह गाँव के अन्य बच्चों के साथ यात्री बस में स्कूल जाता था। सोमवार सुबह 9 बजे वह स्कूल जाने के लिए घर से निकला। स्टॉप पर पहुंचते ही बस आई, लेकिन बस भरी होने के कारण कंडक्टर ने स्कूली बच्चों को बैठाने से इनकार कर दिया। इसके चलते राहुल समेत अन्य बच्चे घर लौट गए। बताया जा रहा है कि राहुल स्कूल मिस नहीं करता था। स्कूल नहीं पहुंच पाने से दुखी राहुल घर के पीछे की ओर चला गया। थोड़ी देर बाद वह नजर नहीं आया तो माँ उसे तलाशते हुए पीछे पहुंची, जहां वह पेड़ पर लटका हुआ था। राहुल के पिता मुंबई में कारपेंटरी का काम करते हैं, वे अभी मुंबई में ही है। दूसरी खबर, कोरोना रोधी वैक्सीनेशन को लेकर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मंगलवार को एक अहम बयान में कहा कि कोविड के खतरे को देखते हुए छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन तत्काल शुरू किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन के दोनों डोज ले चुके वरिष्ठ नागरिकों को भी बूस्टर डोज दिए जाने की जरूरत है। वे यह भी कह रहे थे कि उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के सामने भी दोहराई है। राज्य में स्कूल खुले हुए अभी 20 दिन ही हुए है, लेकिन इस बीच आपस में संपर्क बढ़ने की वजह से 11 से 18 साल की उम्र के 1711 बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। तीसरी खबर, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली से आगरा के बीच 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन भी दौड़ेंगी। सरकार की योजना के मुताबिक 2029-2030 तक दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली के बीच हर घंटे 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन गुजरेंगी। दिल्ली से वाराणसी के लिए हाई स्पीड ट्रेन या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 958 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें लखनऊ से अयोध्या का 123 किलोमीटर का रूट भी शामिल रहेगा। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।